वेलकम टू चंद्रा क्लासेस, माई सेल्फ सोनी मैम फॉर योर कंप्यूटर साइंस क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर कंप्यूटर एंड दिस क्लास विल बी हेल्पफुल फॉर योर पीजीटी एग्जामिनेशन, टीजीटी एग्जामिनेशन एंड केवीएस, ईएमआरएस, एनवीएस, इन सब के कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में कंप्यूटर के जो फैक्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. सारे एग्जामिनेशंस में आपको इन फैक्ट्स से बहुत हेल्प मिलेगी एंड यू कैन डू बेटर इन योर एग्जामिनेशन. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, दैट इज कंप्यूटर फंडामेंटल. ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर जो है वो आपके छोटी छोटी चीज़ों से बना हुआ है. जैसे अगर हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हमें आना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, हम उसके वर्ड को फॉर्म करेंगे, उसके सेंटेंस को फॉर्म करेंगे. उसी की तरह कंप्यूटर में अगर हमें कंप्यूटर फंडामेंटल्स या बेसिक नहीं आएगा तो हमारा कंप्यूटर साइंस पढ़ना बेकार है. ठीक है, तो हम बेसिक से लेकर चलेंगे और फिर हम सारे सिलेबस को वन बाय वन कवर अप करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा, डाटा. ठीक है, अब डाटा क्या होता है? डाटा जो है आपका रॉ मटेरियल है. रॉ मटेरियल, डाटा इन अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मीन रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. जैसे अगर आप कोई वेजिटेबल करी प्रिपेयर कर रहे हैं और उसके लिए आपको क्या चाहिए, रॉ वेजिटेबल्स चाहिए, कुछ मसाले चाहिए, पानी चाहिए, और ये सारी चीज़ें आपकी क्या हुई, ये आपका रॉ मटेरियल हुआ एक वेजिटेबल करी को प्रिपेयर करने के पहले. जस्ट लाइक दैट अगर कंप्यूटर साइंस में हम अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं या फिर कोई चीज़ें, कुछ चीज़ें इन्हांस करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें रॉ फैक्ट चाहिए, फिगर चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल एक्स मोहन, एग्जांपल मोहन 1977 एक्सेट्रा 246, ओके, एनी नेम. तो हम क्या करेंगे, ये सारे डाटा उसमें फीड करेंगे और फीड करने के बाद उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या न्यूमेरिकल ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग. तो इन सब के लिए क्या चाहिए होगा हमारे लिए, हमें पहले रॉ मटेरियल या रॉ डाटा चाहिए होगा. तो उसी को हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं कंप्यूटर साइंस के लैंग्वेज में. एक चीज़ और डिस्कस करना चाहेंगे कि जो आपका कंप्यूटर है, ठीक है, वो जस्ट लाइक आपके हिंदी लैंग्वेज आपका इंग्लिश लैंग्वेज उसी की तरह है. जैसे उसमें आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं वैसे कंप्यूटर्स के भी अलग अलग तरीके के लैंग्वेजेस होते हैं जिसके थ्रू आप कन्वे कर सकते हैं अपनी चीज़ों को. ठीक है, कोई लैंग्वेज आपका कैलकुलेशन करने में यूज़ होता है, किसी चीज़ किसी लैंग्वेज को आप और दूसरी चीज़ों के लिए डाटा फीड करने के लिए यूज़ करते हैं. तो अलग अलग एप्लीकेशन के अलग अलग उसमें काम होते हैं, जस्ट लाइक अदर सब्जेक्ट. तो कंप्यूटर साइंस को हम इजीली स्टडी करेंगे ताकि आपको हर एक फैक्ट अच्छे से क्लियर हो. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब दूसरा जो टर्म आता है बेसिक्स में वो आता है इन्फॉर्मेशन. अब इन्फॉर्मेशन क्या है भाई, वो ध्यान दीजिएगा. तो जब हम डाटा को कंप्यूटर में डालते हैं, यानी कि जब हम डाटा को इनपुट करते हैं कंप्यूटर में और उसके बाद जो प्रोसेस होता है, ठीक है, प्रोसेस होने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है उसी को इन्फॉर्मेशन का नाम दिया गया है. इन्फॉर्मेशन मीन्स अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन मीन्स व्हाट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग. क्या हमें मिलता है प्रोसेसिंग के बाद, उसे हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं. ठीक है, तो डाटा और इन्फॉर्मेशन में आई थिंक आपको जो डिफरेंस होगा वो क्लियर होगा कि डाटा में और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है. डाटा आपका रॉ मटेरियल है और जब प्रोसेस होने के बाद हमें जो आउटपुट मिलता है वो आपका इन्फॉर्मेशन कहलाता है. क्लियर है, चलिए आगे बढ़ा जाए.
आती है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो हम डिफरेंट पार्ट्स में कंप्यूटर को डिवाइड किए हैं अकॉर्डिंग टू देयर यूज एंड अकॉर्डिंग टू देयर असेंबलिंग। जिस तरह से हम कंप्यूटर को असेंबल करते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, उसी तरह से इस कंप्यूटर को भी डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू यूज और अकॉर्डिंग टू देयर असेंबल पार्ट्स। तो द कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी। सबसे पहली चीज़, कंप्यूटर को हम क्लासिफाई करते हैं उसके टेक्नोलॉजी के बेस पे, बीइंग यूज्ड एज। ठीक है, जिस तरह से आपके अलग अलग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसे क्लासिफाई किए हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, तीन पार्ट में इन्हें डिवाइड किया गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब इसके डिटेल में आते हैं हम। पहला जो है आपका एनालॉग कंप्यूटर है। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? ठीक है, ऑल्दो द एक्यूरेसी ऑफ एनालॉग कंप्यूटर इज लेस कंपेयर टू डिजिटल कंप्यूटर। सॉरी, ये डेफिनेशन नहीं है आपका एनालॉग कंप्यूटर का। एनालॉग कंप्यूटर का डेफिनेशन पे पहले आते हैं कि क्या है। चलिए देखिए, अब एनालॉग कंप्यूटर जो है, एनालॉग कंप्यूटर आर एज वेल सूटेड टू सिमुलेटिंग सिस्टम्स। अ सिमुलेटर हेल्प्स टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट रैपिडली इन रियल टाइम एनवायरनमेंट। सबसे बेसिक चीज एनालॉग कंप्यूटर की क्या है, ये क्या करती है और किस तरह से काम करती है? इसको हम सिमुलेटिंग मशीन सिस्टम की तरह यूज करते हैं। अब ये सिमुलेटिंग सिस्टम क्या है उस पर ध्यान दीजिएगा। ये जो है सिमुलेटिंग सिस्टम हेल्प्स कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए यूज होता है, रिपीडली इन रियल टाइम एनवायरनमेंट। रियल टाइम एनवायरनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज। रियल टाइम एनवायरनमेंट क्या होता है आपका? जो आपका एक एक टाइम जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो, एक एक टाइम जैसे माइक्रो सेकेंड भी जहाँ बहुत ही मायने रखता है, उस जगह हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं। एज एग्जाम्पल, जैसे अगर एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग हुई, अभी आपका चंद्रयान थर्ड लॉन्च हुआ है, उसमें हम सारे साइंटिस्टों ने एनालॉग कंप्यूटर का ही यूज़ किया है, क्योंकि वहाँ माइक्रो सेकेंड भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, तो सम ऑफ द कंप्यूटर्स एग्जाम्पल्स आर सिमुलेशंस इन एयरक्राफ्ट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स। ये सारी जगह आपका एनालॉग कंप्यूटर को आपको देखने को मिलेगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी क्या होता है आपका? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में अगर कोई बॉम्ब की टेस्टिंग हो रही है, न्यूक्लियर बॉम्ब हुआ, एटम बॉम्ब हुआ, तो इसमें क्या होगा आपका? इसमें भी माइक्रो सेकेंड में बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। तो हर एक सेकेंड का उसमें उसे क्या चाहिए? मेजरमेंट चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ करेंगे। हाइड्रोलिक मशीन्स में भी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, नेटवर्क्स, जो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स हैं उसमें भी थोड़ी सी भी देर नेटवर्क में वो बहुत बड़ा मायने रखता है। तो माइक्रो सेकेंड को भी क्या करना है, उसको क्या करना है, कवर अप करना है। तो उसमें हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं। कम टू नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें एनालॉग कंप्यूटर की, तो थर्मामीटर, एनालॉग क्लॉक, स्पीडोमीटर। अब देखिएगा, थर्मामीटर में क्या होता है? थर्मामीटर में हम मेजरमेंट लेते हैं किसका? टेम्परेचर का, बॉडी टेम्परेचर का। ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर में आप लैब का मेजरमेंट लेंगे। तो इन सब में जो आपका होता है उसमें क्या होगा कि आपका कितने सेकंड में कितना टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है, आपका रियल टाइम से उसको जोड़ा जाता है। इसीलिए उसको हमें क्या है, थर्मामीटर एग्जैक्ट होना ज़रूरी है। अगर इसमें थोड़ा सा भी अप डाउन हुआ तो क्या होगा, आपका दिक्कत आने लगेगी। एनालॉग क्लॉक जो होता है, एनालॉग क्लॉक भी रियल टाइम से ही जुड़ा रहता है। स्पीडोमीटर, स्पीड जो होती है आपकी कार की, ये कार में लगा रहता है, तो वो स्पीडोमीटर भी आपका पर सेकंड कितना आप कवर कर रहे हैं, कितनी दूरी आपका है, तो ये भी रियल टाइम से रिलेटेड है। तो आपका
स्पीडोमीटर उसके यूज में आता है। द प्रेशर गॉज, प्रेशर गॉज की बात करें हम तो प्रेशर हमारे ऊपर कितना एयर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको भी अगर देखना है सॉरी तो हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको एनालॉग कंप्यूटर का पार्ट क्लियर होगा, कुछ इस तरह का हमारा एनालॉग कंप्यूटर दिखता है। ठीक है, फिगर के अकॉर्डिंग बात करें तो चलिए अब इसके नेक्स्ट टाइप्स पे आते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, बाय डेफिनेशन अगर बात करें तो दीज कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इन डिस्क्रीट फॉर्म। ये इंफॉर्मेशन हमें मिलता है किस फॉर्म में देता है, ये डिस्क्रीट फॉर्म। अब ध्यान दीजिएगा, डिस्क्रीट फॉर्म किसे कहते हैं, जो डिस्क्रीट फॉर्म होता है, डिस्क्रीट फॉर्म होता है कि छोटे से छोटे फॉर्म में इंफॉर्मेशन को ब्रेक कर देना। ठीक है, ये बहुत ही छोटे फॉर्म में ब्रेक करने के बाद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है यूजर को, इसीलिए उसको डिस्क्रीट फॉर्म का नाम दिया गया है। इन डिजिटल टेक्नोलॉजी डाटा विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, सिंबल्स और नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म, दैट इज 0 एंड 1। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो आपका डिस्क्रीट फॉर्म में, किस फॉर्म में वो तोड़ता है इंफॉर्मेशन को, 0 और 1 के फॉर्म में। 0 आपका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, और जो आपका 1 है वो आपका फाइनल पॉइंट है। ये आप पढ़ेंगे और इसको एलोबरेट करके, बाइनरी डिजिट इसे कहा जाता है। ठीक है, और 0 और 1 पे ही पूरा का पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म आपका बेस्ड होता है, और इसी में जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है सारी होती है, सारी कोडिंग इसी फॉर्म में ही होती है। तो इसमें जितने लेटर्स लिखे जाएंगे, डाटा होगा, सिंबल होगा, नंबर्स होगा, वो आपका इसी बाइनरी फॉर्म में ब्रेक होगा। ठीक है, और 0 1 के फॉर्म में सारे इंफॉर्मेशन आपके फीडेड होंगे कंप्यूटर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स के एग्जांपल। आइए बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर के एग्जांपल्स की। हाँ, ये देखिएगा, डिजिटल कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल हैं, IBM PC, HP, Lenovo, Dell, etc. तो आपका IBM PC, जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है IBM, वो पूरा डिजिटल बेस्ड है। HP, आजकल जितने भी लैपटॉप्स आ रहे हैं और कंप्यूटर सिस्टम आ रहा है वो सारा डिजिटल ही है। ठीक है, तो आपके HP, Lenovo, Dell, ये सारी चीज़ें किस पे आ रही हैं, आपकी डिजिटल कंप्यूटर में ही आ रही हैं। Apple Macintosh, ठीक है, जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैलकुलेटर्स जो आ रहे हैं वो भी डिजिटल कंप्यूटर्स कंप्यूटर में आ रहे हैं। डिजिटल वॉचेस, जितने भी डिजिटल वॉचेस हैं वो भी सारा आपका डिजिटल सिस्टम में ही आ रहा है। तो ये सब सम एग्जांपल्स हैं आपके डिजिटल कंप्यूटर्स के। कम टू द नेक्स्ट। हाँ, अब देखिएगा, जो आपका एनालॉग कंप्यूटर है, थोड़ा सा और डिस्कशन कर लिया जाए एनालॉग कंप्यूटर पे। एग्जांपल्स तो हम लोग ने देख ही लिए हैं। चलिए देखिए, एन एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन कंटिन्यूअसली चेंजेबल एस्पेक्ट्स। एनालॉग कंप्यूटर जो काम करता है वो कंटिन्यूअसली चेंजेबल एस्पेक्ट पे काम करता है। फिजिकल फिनोमिनन सच एज फ्लूइड प्रेशर, मैकेनिकल मोशन एंड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। अभी हम लोग ने जस्ट डिस्कस किया है कि एनालॉग कंप्यूटर रियल टाइम सिस्टम पे बेस्ड होता है। तो रियल टाइम सिस्टम में मतलब कि हर सेकंड का हिसाब, ठीक है, हर पर सेकंड क्या चीज़ हो रही है, उन हर सेकंड का अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो हम क्या यूज़ करेंगे, एनालॉग कंप्यूटर यूज़ करेंगे। ओके, तो इसमें क्या है आपका, ये कह रहा है चेंजेबल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल फिनोमिनन। जो भी फिजिकल फिनोमिनन का जो चेंजेबल एस्पेक्ट है, जैसे फ्लूइड प्रेशर, अब प्रेशर पड़ रहा है तो हर एक सेकंड में कितना कितना प्रेशर हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप वो हमें मेजरमेंट में लाना है। मैकेनिकल वर्क में भी कितना आ रहा है, प्लस मोशन और प्लस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज,
कितनी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, उसका सारा डिटेल हम इसके थ्रू ले सकते हैं, क्योंकि ये रियल टाइम में काम करता है। तो रियल टाइम में जितने भी सिस्टम काम करते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर के बेस पे ही काम करते हैं। एंड दीज कंप्यूटर मेजर चेंजेस इन कंटिन्यूअसली फिजिकल क्वांटिटीज से करंट वोल्टेज। अब जो कंटिन्यूअसली जो चल रहा है, ठीक है, जो कंटिन्यूअसली फिजिकली वो क्या कर रहा है, चल रहा है, अगर बैक टू बैक फ्लो में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुआ, आपका वोल्टेज का फ्लो हुआ, तो इन सब में अगर हमको मेजरमेंट चाहिए तो हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। हर एक माइक्रो सेकेंड का यूज़ होते हैं। अभी आपका चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था, उसमें अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती, ठीक है, तो क्या होता, वो कंप्यूटर, ये वो रॉकेट वहीं पे फट जाता। तो इसीलिए उस समय साइंटिस्ट, आप देखते होंगे, बहुत प्रेशर में रहते हैं जब रॉकेट लॉन्चिंग होती है, पूरी की पूरी टीम अंडर प्रेशर रहती है। क्यों रहती है? इसलिए रहती है क्योंकि वहाँ पर माइक्रो सेकंड का हिसाब होता है। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो क्या होगा, वहीं का वहीं वो रॉकेट ब्लास्ट कर जाएगा, और उसके बाद आपकी जो भी, जितनी भी आपने तैयारी की है और जितने पैसे लगे हैं, मैन एंड मनी दोनों का लॉस होगा। इसीलिए वो लोग बहुत प्रेशर में रहते हैं कि थोड़ी सी भी मिस्टेक, एक सेकंड की भी ना हो, और कुछ भी ऐसा मिस कॉन्सेप्ट ना हो, और वो आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो ख़राब ना हो। इसीलिए एनालॉग कंप्यूटर का उसमें यूज़ होता है। चलिए अब थोड़ा डिफरेंस देख लिया जाए डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन में। डाटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन, अभी तो हम लोग ने पढ़ा डाटा और इंफॉर्मेशन, तो ध्यान दीजिएगा, यू शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट गोज इन द कंप्यूटर इज डाटा। जो हम कंप्यूटर में डालते हैं उसे क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं, एंड व्हाट कम्स आउट ऑफ देम इज इंफॉर्मेशन। और जो उसमें से निकल के आता है वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ टर्निंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन आर आल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ये डाटा प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन के रूप में हमें मिलता है, उस सारे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। क्लियर है? कुछ और एग्जांपल्स देख लीजिए एनालॉग कंप्यूटर का। एनालॉग कंप्यूटर की बात की जाए तो दिस कंप्यूटर आर यूज्ड टू प्रोसेस डाटा जनरेटेड बाय ऑनगोइंग फिजिकल प्रोसेस। ऑनगोइंग फिजिकल प्रोसेस पे वो टैकल करता है, हर एक प्रोसेस को वो टैकल करता है। थर्मामीटर इज एन एग्जांपल ऑफ दैट एनालॉग कंप्यूटर, एंड सिन इट मेजर द चेंज इन मर्करी लेवल में, अप डाउन लेवल में वो चेंजेस देखने को मिलते हैं। चलिए तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट अ कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट कैन बी इंस्ट्रक्टेड टू कैरी और आउट सीक्वेंसेस ऑफ एन अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस, एंड ऑटोमेटिकली मॉडर्न कंप्यूटर्स हैव द वे ऑफ एबिलिटी टू फॉलो द जनरलाइज सेट ऑफ ऑपरेशन। जनरलाइज सेट ऑफ ऑपरेशन को उसको ऑपरेट करने के लिए कॉल्ड प्रोग्राम, जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं। दिस प्रोग्राम इनेबल कंप्यूटर्स टू फॉर्म एन एक्सट्रीमली वाइड रेंज आस्क। तो क्या होता है इसमें, जो सारे कंप्यूटर्स किस पे काम करते हैं, प्रोग्राम पे काम करते हैं। हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं और उसको फीड करते हैं, उसके बाद हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करता है। तो ये प्रोग्राम क्या है, आपका स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है जिसको हम कंप्यूटर को प्रोवाइड, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसी को प्रोग्राम कहा जाता है। और उसके बाद कंप्यूटर हमें इंफॉर्मेशन निकाल के देता है, ठीक है। और उसी पूरे प्रोसेस जो है और पूरा सिस्टम जो है, अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन हम लगाते हैं। अर्थमेटिकल में आपका क्या होता है, प्लस माइनस करना है, डिवाइड करना है, वो आपका अर्थमेटिकल ऑपरेशन में चला जाता है। लॉजिकल, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ठीक है, ये सारा आपका कंप्यूटर। तो एज अ कंप्यूटर हम कहें तो ये सारा प्रोसेस एक सिस्टम में होता है जिसे हम कंप्यूटर का नाम दिए हैं। तो आपकी ये कंप्यूटर साइंस की इंट्रो क्लास थी, आई थिंक कुछ कंप्यूटर के बारे में और कुछ फंडामेंटल्स, आपके डाटा और जो भी इंफॉर्मेशन है क्या होता है, किस कितने तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, ये सारे
आपको आज क्लियर होंगे। आई होप इट विल बी इंफॉर्मेटिव क्लास फॉर यू ऑल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। टेक केयर। हैव अ नाइस डे।